अतुल जी, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाह रही हूं। ये जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्राइम ब्रांच की, आपने देखी और सुनी होगी? नहीं, मुझे समय नहीं मिला, आप बताएं मुझे अच्छा क्या हुआ इसमें। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, जो अरुण यादव ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद प्रियंका गांधी ने उसको ट्वीट किया, उस चिट्ठी में जिस संगठन का नाम है, ऐसा कोई संगठन नहीं है। जिस एड्रेस का जिक्र है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। जिस व्यक्ति का जिक्र है, जिसके हस्ताक्षर है सर लास्ट में ज्ञानेंद्र जी का, जी वो ऐसा कोई आदमी भी नहीं है। तो आप, जिसने प्रियंका गांधी जी ने एक न्यूज आइटम शेयर किया है, वो चिट्ठी तो शेयर नहीं की है ना, कि वो चिट्ठी लिखी है। न्यूज जिसने ये आइटम झूठी खबर लिखी है, सुनिए, जिसने ये झूठी खबर सर, लिखी है, न्यूज और आइटम। न्यूज आइटम है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिसने ये न्यूज अच्छा आइटम लिखा है ठीक, उसपे कार्यवाही करे। लेकिन आप FIR किस पे कर रहे हैं? प्रियंका गांधी जी पे, कमलनाथ जी पे। आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, और आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मतलब कि भ्रष्टाचार नहीं है। अभी अभी पटवारी नियुक्ति घोटाले के खुद रिजल्ट जो हैं, पटवारी नियुक्ति के, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने रोके रोके हैं। तो क्यों रोके हैं यदि सब कुछ ठीक चल रहा है? बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश का जानता है कि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, कारम डैम घोटाले से लेके पोषण आहार घोटाले तक। तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई, जिसने गलत खबर छापी उस पे, आप कर रहे हैं इस पे राजनीति, आप क्या समझते हैं कि आप प्रियंका गांधी जी पे FIR कर देंगे तो उससे फर्क होगा? ये जनता पूरी तरह जानती है मध्य प्रदेश की, कि पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। और अब बौखला गए हैं, क्योंकि पिछली बार जब कर्नाटका में प्रियंका गांधी जी ने प्रचार किया था, तो मोदी जी का जो विक्टिम कार्ड था, एक दिन में फुस कर दिया था। तो उससे डर के इन लोगों को लग रहा है कि FIR करेंगे और प्रियंका गांधी जी बैकफुट पर चले जाएंगी। अब इससे होगा ये कि जनता समझ जाएगी कि ये राजनीति जो है शिवराज सिंह जी की क्या है। ये डर के लोगों पे FIR करते हैं। राहुल जी पे भी FIR की थी, क्या हुआ? हाँ उनको बाहर निकाला, वो वापस आ गए, सरकार को थूक के ठीक, चाटना पड़ा। इसका क्या मतलब है? ये आप, इनके पास विकास की या कोई एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति बची नहीं है, कोई विजन बचा नहीं है। ठीक है। लोग इनसे गए वहां पे, परेशान है, इसलिए ये बेफिजूल की चीजें कर रहे हैं। राहुल जी पे भी लगाई थी FIR, वापस आ गए, ठीक है, इन लेकिन पे भी अंशुल जी लगा मुझे ये दो। बताइए, अगर क्राइम ब्रांच की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं, जांच के बाद सर, है ना, जांच हुई, जांच में पाया गया कि ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रियंका गांधी एक बड़ी लीडर है आपकी पार्टी की, क्या उनको जी, उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद कि लिख देना हमको बोल रहे चाहिए हैं जांच कि कराइए, नहीं बिल्कुल नहीं जांच कराइए कहां से हुआ है। ठीक अब है, यदि आप एक लेकिन ना, लीडर तो आपने व्यक्ति कहा हैं, जांच तो कराइए, मैं को एक बात बताइए। देखिए सर, प्रियंका गांधी ने जो मैं अपना आपको ट्वीट एक किया, बात उसके बाद उन्होंने बोलूं, कुछ मैं ऐसा आपको जिक्र एक नहीं बात किया, दूसरा कोई ट्वीट नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। उन्होंने बकायदा जो अपना ट्वीट किया वो वैसे के वैसा ही रखा हुआ है, और उसमें उन्होंने यही सारी बातें कही गई हैं, और वो भी पूरे ऐसे जैसे पुख्ता प्रमाण हो। जांच कराइए ना, क्योंकि क्योंकि ये आया जहां से है, ये मुख्यमंत्री खुद उल्लेख कर रहे हैं, पूरी मीडिया में आया हुआ है, इसलिए किया गया है। प्रियंका गांधी जी ने वो लेटर नहीं लिखा है, पर बात वो नहीं, बात यह ठीक है है, कि कौन उंगली उठा रहा है। अभी कलावती के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने झूठ बोला था। क्या बोला था? कि कलावती जी को कुछ नहीं मिला राहुल जी के जाने के बाद। अगले दिन जो है वो वायरल हो गया कि कलावती जी को हर चीज राहुल गांधी जी की वजह से मिली, उनके कहने पे मिली, उनके विजिट के बाद मिली। क्या गृह मंत्री जी माफी मांगेंगे? क्या उसको वापस करेंगे? मिजोरम के ठीक है, बारे में प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, उसके बारे में झूठ जो बोला है उसके लिए माफी मांगी, वो ट्वीट ठीक है, हटाया। ठीक है, तो देखिए, बात यह है कि भ्रष्टाचार, ई टेंडरिंग घोटाले, व्यापम और पटवारी भर्ती घोटाले से लेके, जिसको खुद ठीक, मुख्यमंत्री जी ने स्थगित किया है, उस पर ये कुछ बोल नहीं रहे। ध्यान भटकाने के लिए और डराने के लिए FIR कर रहे हैं, तो इनका स्वागत है। ठीक है, जैसे राहुल जी की विश्वास तो उनकी सारंग जी, पड़ेगी, डराने पर फिर पड़ेगी। के लिए ये FIR किया जा रहा है। प्रियंका गांधी तो बकायदा एक अखबार की कटिंग दिखा रही हैं और उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, और यहां पर सीधे अंशुल कह रहे हैं कि भाई जिसने ऐसी खबर छापी आप उनके खिलाफ FIR कीजिए, लेकिन FIR प्रियंका गांधी पर कर रहे हैं, आप कमलनाथ पर कर रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, यही तो कांग्रेस का एरोगेंस है, यही तो कांग्रेस का घमंड है। नेहरू परिवार तो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है। वो तो अभी अंशुल जी ने कहा ना कि क्या फर्क पड़ेगा, राहुल जी पे भी FIR हो गई, इन पे भी FIR कर लो, प्रियंका जी झूठ बोलेंगी, जीजा जी हरियाणा में जनता की, गरीबों की, किसानों की खेती पर कब्जा करेंगे, पर इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा।
अर्पिता जी, मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा ये है, मेरे पास ये लेटर भी है जिस लेटर को दिखाया गया, जिस लेटर को टैग करके कांग्रेस के नेताओं ने भ्रामक प्रचार किया। अब बात यदि हम कंटेंट की बात करें तो प्रियंका जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है मध्य प्रदेश की सरकार पर। ये मेरे पास सब कुछ है, सब मैं प्रिंट आउट लेकर बैठा हूं, और उन्होंने सीधा ये लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की रीति नीति है। यदि हम इस लेटर को देखें, इस नाम का कोई संगठन नहीं है, जिस पते पर ये इनका ऑफिस बताया गया ये पता नहीं है मध्य प्रदेश में, जिस ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से ये पत्र लिखा गया है ऐसा व्यक्ति कोई रहता नहीं है, जिस घटना का यहां पर जिक्र किया गया है वो घटना नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, प्रियंका जी जैसी बड़ी नेता, नेहरू परिवार की वंशज, वो झूठ और फरेब की राजनीति करेंगी, और केवल ये राजनीति करके वो मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है। और देखिए, मुख्य मुद्दा ये नहीं है, ये कोई इनोसेंस में नहीं किया गया है, जो अंशुल जी कह रहे थे कि हमें तो पता लगा और हमने ट्वीट कर दिया। मैं अर्पिता जी आपको कहना चाहता हूं, 12 जून को, अभी 12 जून को प्रियंका जी जबलपुर में आई थी, और जबलपुर में जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया उस समय भी उन्होंने यही बात की, एक स्क्रिप्टेड उन्होंने भाषण दिया और कहने लगे कि मध्य प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, मैं भ्रष्टाचार की लिस्ट अभी पढ़ के बताती हूं। और आपने देखा होगा उस सबका, आपके चैनल पर भी चला था, वो कोई भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं कर पाई, उनके पास ना कोई लिस्ट थी ना भ्रष्टाचार का कोई डिटेल था। उस समय भी उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। तो देखिए, ये सब स्क्रिप्टेड है। कांग्रेस जो है इस चुनाव को गलत रंग देना चाहती है। कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस को मालूम है कि मध्य प्रदेश में वो बुरी तरह हारने वाली है, और हारने वाली है तो झूठ की नसेनी पर चढ़कर वो सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए, झूठ की नसेनी पर कोई चढ़ नहीं पाता, इसीलिए FIR हुई है। अब जवाब देना, अब डर क्यों रहे? अब जवाब दे, प्रियंका जी जवाब दे, कमलनाथ जी जवाब दे। मोदी सरकार है, 9.5 साल से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये बेमतलब आरोप लगाते रहते हैं, कार्यवाही करी नहीं। और जिस जिसने करप्शन किया, जिस जिस पे करप्शन के आरोप लगाए, वो हेमंत बिश्व शर्मा हो या अजीत पवार, जिस दिन आरोप लगाते हैं उसके अगले दिन मिला लेते हैं। तो भ्रष्टाचार को तो पोषित करने वाली भाजपा और मोदी सरकार है। आज तक बताया नहीं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनी में अडानी के हैं वो किसके हैं, और दूसरों पे जवाब दे रहे हैं। आप जाके मध्य प्रदेश में पूछिए, बच्चा बच्चा बोलेगा। आज मध्य प्रदेश की जो प्राइम आइडेंटिटी बन गई है पूरे देश भर में, वो व्यापम घोटाले से बन गई है, जो आपके अंडर हुआ है, ई टेंडरिंग घोटाला, कारम डैम पूरा बह गया, आदिवासियों की जमीन बह गई, वो किसके अंडर हुआ, उस घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? उसके बाद मैं अब यदि लिस्ट ले गया, पोषण आहार घोटाला, मध्यान्ह भोजन घोटाला, तो भ्रष्टाचार में लिप्त है आपकी सरकार। आप कार्यवाही हर सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेगी, इनके वक्त पे भ्रष्टाचार हुआ, इनके वक्त पर भ्रष्टाचार हुआ। सबके समय कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिस पर निशाना साधा जा रहा है।